हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंगो शेक, जो आप घर पे कैसे बना करके पी सकते हैं। मैंगो शेक ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, तो इसको मैं अपने तरीके से मैं घर पे कैसे बनाकर लेती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देखिए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होते हैं, और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, मेरे हबीबी भी बहुत पसंद करते हैं, तो हम लोग कभी कभी बना करके इसको लेते रहते हैं। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए इसमें क्या क्या लगते हैं और कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बर्फ़ लिया है, बर्फ़ है, कुछ काजू बादाम कुछ लिए हैं, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली हुई है, और यहाँ पे मैंने मैंगो लिया हुआ है, एक बड़ा मैंगो लिया है, और दही लिया हुआ है, और मैं चीनी के जगह पे ये मैंने हनी दिया है। ये ऑप्शनल है कि आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। मैं चीनी को अवॉइड करती हूँ हमेशा, हर कोई भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना तो इसको मैं अवॉइड करती हूँ, उसकी जगह मैं हमेशा हनी लेती हूँ, जो सबको ही खा सकते हैं, ठीक है। तो आप भी हनी ही यूज़ करें, मैं ऐसा ही बोलूँगी, वो हेल्दी होता है। और फिर मैंने थोड़ी सी पानी भी ली है, ठंडी पानी ही ली हुई है, इसमें फ्रिज से लेकर लाई हूँ, और ये पानी जो है वो आपको देना ही पड़ेगा, वरना बहुत ठीक हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ठीक होने से हम इसको पी नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपने कैसे बनाती हूँ वो देखिए। इस तरह से जितने मैंगो के पीसेस हैं आप आराम से निकाल लें सब। मैंगो मैंने काट करके तैयार कर लिया है, और इसमें मैं अब दही डाल दूँगी, अपने स्वाद के अनुसार भी आप दही लें। कर दिया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी बस। इसमें मैंने जितने भी और सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे दे दूंगी। अब मैं इसमें दूंगी हनी, और इसमें मैं 3-4 चम्मच हनी लूंगी। ये मीठा भी आप अपने अनुसार ही लें, बिकॉज ऑलरेडी मैंगो जो है उसमें एक मीठापन है, तो मैं बस इतना ही लूँगी और एक ले लेती हूँ, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा लेना है बस। ओके, वो वीडियो कॉल किया लग रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा डालना, अब इसको हमें ग्राइंडर कर लेना है बस। ये करो, ये है मिल्क शेक बनके तैयार, ऐसा बना है, बहुत ही टेस्टी यम्मी। ये रहा, ये हमारा मिल्क शेक बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी यम्मी। आप लोग भी बनाकर घर पे खाएं, ज़रूर खाएं घर पे बनाकर। देखिए मेरा बेटा देखते ही तो बोल रहा भी है, नम 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 नम, नम, नम।